और सवाल पूछिए क्या पूछना चाहते हैं और मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको तो YouTube के बारे में पूछना है आपको कि क्या आपको समझ में नहीं आता वीडियोस में और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ YouTube वीडियोस में अपनी मैं देख क्रेजी देवदास YouTube चैनल की बात कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कोई एडवाइस दे सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी YouTube वीडियोस के लिए और ये पता नहीं अजीत की आवाज़ क्यों निकल रही है लेकिन अजीत साहब ग्रेट थे उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए स्मार्ट बॉय एनी वेज तो दोस्तों आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मुझे कमेंट्स करिए कि आपको क्या समझ नहीं आता मेरी यूट्यूब वीडियोस में हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप लोग YouTube वीडियोस के लिए मुझे कुछ बता सकते हैं कि मैं क्या अच्छा करूं और किस तरह का मुझे कंटेंट बनाना चाहिए YouTube पर और अगर आपने बगल वाली पड़ोसन मेरी जो सीरीज़ है जो सीरियल है ऑडियो में वो देखा है तो आपको उसमें क्या समझ नहीं आता और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ उसमें या कुछ क्या गलत कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के सिलसिले में आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी सवालों के जवाब देने देने में हम आ, हम आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे इतना ही कह सकते हैं और क्या कहें तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ पहले मैंने सोचा था कि मैं फेस कैम करूँ लेकिन फिर उसके बाद देखा कि यार जब ऑडियो में ज़्यादा मज़ा आता है तो मुझे लगा कि नहीं फेस कैंप नहीं करते हैं हम डायरेक्ट ऑडियो में बात करेंगे आ, तो दोस्तों अरे तो तो यार कोई तो जुड़ जाओ

रीज़न की वजह से उनकी डेथ हुई है लेकिन जो भी हुआ है वो कुछ लोगों को एक सबक भी सिखा दिया कि भले ही आपकी जितनी अच्छी फिजिक्स हो आप जितनी अच्छी बॉडी हो आपकी या जितना आप मेडिटेशन करते हो वो सब ठीक है लेकिन यार कई बार उसके भी साइड इफेक्ट हो जाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला बेचारे अब मैं तो इतना नहीं था उनका कि इतना बड़ा प्रशंसक नहीं था शुक्ला जी का लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि मैं हेटर था ऑफकोर्स ये भी कह सकते हैं आप क्योंकि बिग बॉस जैसी जगह जाना मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी चीज़ है और वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिव बन जाती है ऐसा मुझे लगता है तो इसलिए जो भी बिग बॉस में जाता है उससे मैं थोड़ा सा खफा रहता हूँ ये शुरू से ही ऐसा नेचर है मेरा मैं क्या करूँ लेकिन तो बस एक ही एक ही कंटेस्टेंट है जिनको शायद बिग बॉस की वजह से उस टाइम मैंने भले ही उनको वो किया था कि मैं उनको हेट करने लगा था बिग बॉस की वजह से लेकिन टुडे शी इज़ माय फेवरेट तो या एक ही कंटेस्टेंट के पास बाकी सारे जो भी बिग बॉस के हैं वो मुझे पता नहीं क्यों मैंने कभी देखा नहीं बिग बॉस कुछ ही सीजन देखे हैं लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जी के जो हुआ उनके साथ वो बहुत ही गलत पता नहीं कैसे बहुत ही अजीब लगा सुन के मैं तो उनका प्रशंसक भी नहीं हूँ फिर भी मुझे इतना अजीब लगा तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके प्रशंसक जो हैं या फिर उनके परिवार वाले जो है उनको कितना खेद होगा अजीब सा लगा था जिस खबर सुनी थी तो तो बस हम यही कह सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है उनको ऊपर वाला शांति दे और अब हम अपनी वीडियो की बात करते हैं कि क्यों लाइव सेशन कर रहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या समझना है यूट्यूब वीडियो में और क्या हम लोग बात कर सकते हैं प्लीज़ आइए ज्वाइन होइए और प्लीज़ बातें कीजिए यार ये क्या बात करना है आपको यूट्यूब के सिलसिले में मुझसे यही इसमें मज़ा है आप लोगों से जानूंगा मैं तो मुझे थोड़ी खुशी होगी मुझे से लग रहा है कि वो है इसलिए फेस कैम करूंगा तभी शायद लोग जुड़ेंगे ठीक है मैं फ़ेस कैम करता हूँ ये वीडियो में हटाता हूँ शायद आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा खैर कोई बात नहीं फिर से फ़ेस कैम करना पड़ेगा यार